So hey, what up YouTube? Hope you're doing well. So welcome back to my YouTube channel. So welcome back to my daily vlog. So right now, अभी आप देख सकते हो सोनी को मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं 10:40 हो रहे हैं एक्चुअल में. अभी मैं जस्ट उठा हूँ यार, मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं अभी जस्ट उठा हूँ बेड से. अभी बेड से उठते ही मेरे को एक फोन आ गया था मेरे फ्रेंड का कि राइड पे वगैरह जाना है और राइड्स वगैरह आ रहे हैं सारे सारे. पता नहीं कितने राइडर हैं, एक है या दो है या फिर तीन है. सो एनीवेज अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, इतनी बुरी हालत में जा रहा हूँ मैं. एक्चुअल में अगर मैं नहाता तो मैं लेट हो जाता और ऐसे में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी को वेट कराना पसंद नहीं है और मेरे को पंचुअलिटी से हर जगह पहुंचना पसंद है एंड वार्म अप कर रहा हूं अभी बाइक को. तो अभी बस मेरे को योलगंज मिलेंगे वो, तो वो से नियर बाय एरियाज वगैरह में जाना है. हमने नियर बाय एरिया वगैरह इतने नहीं देखे हैं, सो मैंने बोला एक हेवन है अपना यहाँ पे, ये जो सामने वाली पीक है ना ये, बस यहाँ पे जा रहे हैं हम. एंड जो टॉप थ्री कमेंट्स है, टॉप थ्री कमेंट्स मैं बोल देता हूँ. सो एनीवेज मैं अभी बाइक में बोल दूंगा, मैं आपको मिलता हूँ अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे एंड अपना गोप्रो यहाँ पे लगा देते हैं. एक्चुअल में भाई डिफरेंट लोकेशन पे चले गए, इनको योल का पता नहीं है. एंड ये हेलो एक काम करो भाई, मिलो मेरे को ना, मैं वहीं आता हूँ. खड़े हैं, ओ भाई गाड़ी देखो क्या सेक्सी लग रही है भाई, ऐसे लग रहा है रैप करवाया हो इसमें. ये सारा मड अगर फॉर्च्यूनर वगैरह में या फिर इसुजु वगैरह में लगो तो कितनी प्यारी लगती. एनीवेज हमने छुटकू गोप्रो लगा दिया है. एक्चुअल में पहले हम हेवन जा रहे थे, एक्चुअल में योल में एक जगह है हेवन करके, वो चले गए आगे नरवाना. सो मैंने उनको बोला यार वहीं रुको, किसी डिफरेंट लोकेशन में चल पड़ते हैं ऊपर सैलिक साइड. और एक तो ये योल की बोरिंग ट्रैफिक ना भाई. जो टॉप थ्री कमेंट थे, टॉप थ्री कमेंट नहीं बोले हमने, जो टॉप थ्री कमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे टॉप थ्री कमेंट्स. तो फर्स्ट उनका नाम फुल गेमिंग, सेकंड विनोद कुमार एंड थर्ड साहिल ठाकुर. हाँ जी सर, क्या हाल चाल आपके, ठीक हो? और बढ़िया. एक यार इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी खींच लेते हैं एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरे को आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा, नाम आ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो यार, बहुत अच्छी स्टोरीज वगैरह डालता हूँ मैं एंड बहुत अच्छा सब कुछ डालता हूँ मैं, ठीक है? ज़रूर फॉलो करना वहाँ पे मेरे को. और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे राइड्स के लिए हम जीते हैं यहाँ पे धर्मशाला में. चंडीगढ़ चल जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को राइडर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सीन है. अब ऐसा ना हो कि मैं अकेले राइड करता रहूँ. सो यार चंडीगढ़ से जितने भी बंदे जुड़े हैं ना अपने साथ यार, मेरे को मैसेज करो एक बार इंस्टाग्राम पे. हेलमेट लेने गया है यार, वो ड्यूक 200 है ना, इसका अंडर वैली एग्जॉस्ट आता था, जैसे मेरा वाला आता है अंडर वैली एग्जॉस्ट, इस RS का भी अंडर वैली एग्जॉस्ट है, इसका भी अंडर वैली एग्जॉस्ट था, मतलब ये वाला एग्जॉस्ट आता ही नहीं था. तो भाई ने देखो यार मॉडिफिकेशन करवा के ये वाला जो एग्जॉस्ट होता है ना बेल्ट ही करवा दिया है, यहाँ पे ये एग्जॉस्ट लगा दिया है KTM ड्यूक 390 का, जिसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ करती है. भाई ने नया हेलमेट लेना है, 1700 का ये, बस 1700 का हेलमेट है वेगा का, AGV टाइप कॉपी है, फर्स्ट K1 जो आता है ना AGV का. चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, हेलमेट लिया भाई ने एंड पेट्रोल वगैरह फुल करवाए हमने यहाँ पे. इनको लोकेशन नहीं पता एक्चुअल में, मेरे को लीड करना पड़ेगा. चढ़ा दी थी भाई ने मेरे पे अभी. बस ये वाला गोप्रो लगा के ना एक डिसएडवांटेज रहता है मेरे को कि बैक मिरर नहीं खुल पाता है यार. ओ भाई साहब बड़े गंदे हम्प्स हैं यहाँ पे यार. आप देखो गाइस एक बार एरिया, कितना प्यारा एरिया यार. और देखो नीचे साइड पूरा वैली दिखाई दे रहा है यार, सारा का सारा नगरोटा तक दिखाई दे रहा है अपने यहाँ से. ओ भाई जी क्या वैली मारी है भाई ने. बंदों के रिएक्शंस, बंदे बोल रहे भाई ये क्या कर गया बंदा, ये अपना एरिया भाई, ऐसी जगह में रहते हैं हम यार, ऐसे कुछ राइडर्स हैं और हमारे साथ यार, एवरी डे का सीन. ओ भाई स्टॉपी बहुत खतरनाक बची है, ये देखो अभी देखना लाइन में, ये देखो भाई क्या लग रहे हैं सारे के सारे, बढ़िया एकदम मस्त है. वीली नहीं बची मेरे से, ये कैसे पॉसिबल है भाई. बहुत जोर से पटक दी मैंने भाई नीचे, बहुत जोर से पटक दी शेट. मैं एकदम से पटकता नहीं हूँ उसको, एकदम से रखता हूँ आराम से एरोप्लेन की तरह. देखो शीशे वगैरह हिल गए भाई साहब, गोप्रो हिल गया मेरा पूरा का पूरा, इतनी जोर से इंपैक्ट हुआ है इसका. सो जितने भी छोरू हैं हमारे साथ आज ढलान डाउन हिल देखते हैं, न्यूट्रल डाल देते हैं भाई, मैं भी डाल रहा हूँ आजकल. ओ भाई कितना वाइट पानी है भाई, जूम करके दिखाऊंगा मैं अपने गोप्रो पे, अलग ही खूबसूरती है भाई हमारे हिमाचल में, अलग ही लेवल की खूबसूरती है. हाय 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 क्या वादियाँ हैं भाई. अभी जस्ट इमेजिन आप सो के उठे हो अभी, आपकी आंखें अभी खुली हैं और आप एकदम से अपनी बाइक लेके ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन पे आ गए हो जहाँ पे इतनी प्यारी ठंडी हवा, एकदम फ्रेशिंग. मैं एंड पॉइंट यहीं तक आया हूँ, इससे आगे मैं कभी नहीं गया, तो जिया निकलता है रास्ता. पहले मेरे को पता था बट पहले सड़क नहीं बनी थी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे फुल सड़क बन चुकी है. ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में भाई ऐसे लग रहा है ट्रैक है भाई, एक्चुअल में ट्रैक से कम नहीं है कुछ भी बोलो, यहाँ पे टूरिस्ट आता ही नहीं है, कुछ ट्रैफिक है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ट्रैक ही है भाई पूरा पूरा दिन, इसने रोड ने खाली रहना भाई. हम तब से कंटिन्यूसली इस रोड में चले हुए हैं एंड यार क्या ही मजा आया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी. सो भाई ने एग्जॉस्ट लगाया, एग्जॉस्ट का मैं आपको साउंड नोट सुनाता हूँ. ये देखो भाई खतरनाक टाइप के हैंडल वगैरह लगा दिए हैं भाई, स्टंटिंग के हिसाब से भाई ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया. सो यार ये ड्यूक जो 200 है ना, इनकी पावर इतनी ज्यादा लगती है ना छोटे छोटे रस्ते में, तो यार ये हैंडल इतने खतरनाक करा रखे ना भाई ने, मेरे को कंट्रोल सा नहीं आ रहा इस बाइक पे. ओ शिट भाई मैं बाहर जाने वाला था अभी, ऐसे मॉडिफाइड मैंने कभी बाइक चलाई नहीं ना, तो इस एरिया में मैं पहली बार आ रहा हूँ गाइस, मैंने ये एरिया कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर रखा है.
सो गाइज अब थोड़ी देर इस लोकेशन पर रुकेंगे हम, क्योंकि बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं हम। सो हमें 30 मिनट्स हो गए राइड करते हुए इस लोकेशन पे। एंड देखो यार कितना अच्छा व्यू है, एंड ये सिटिंग एरिया मिला है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सांस लेते हैं फिर निकलते हैं आगे की साइड को यार। सो गाइज फाइनली हम जिया वैली पहुँच चुके हैं, एंड जिया वैली निकले हैं यार सीधे के सीधे हम। एंड ये सामने जो ब्रिज है यहाँ पे भाई थोड़े बहुत स्टंटिंग दिखाएंगे, और वो देखो भाई बाइक पे खड़ा हो गया भाई क्या ही सेक्सी, वाह यार। और ऐसा कुछ एरिया यार ये प्यारा सा, ये स्टंटिंग देखना, अब देख रखी होगी आपने मेरे चैनल में वैसे पहले भी। सो ये है स्टॉपी, वाओ। ये देखो भाई ऊपर साइड देखो यार कितने ज्यादा पैक लाइट्स वगैरह उड़ रहे हैं सारे सारे। ये देखो आप दिख रहे हैं दो विजिबल है, देखो कितने हाइट पे उड़ रहे हैं यार ये। और यहाँ पे खड़े हम, और यहाँ पे हम स्टंटिंग देख रहे हैं, ये देखो भाई। तो बस इतना ही था यार आज की छोटी सी राइड थी, और यहाँ पे आपने तो देखा ही होगा स्टंटिंग वगैरह किया भाई ने, और बहुत अच्छी स्टंटिंग वगैरह करते हैं सब। तो बस यार अभी यहाँ से निकल रहे हैं, प्लान ये है कि धर्मशाला साइड जाते हैं। तो एक्चुअली में बोल रहे थे इन्होंने टायर वगैरह डलवाना है वहाँ पे, तो देखते हैं कैसे कैसे जैसे जैसा होता रहेगा मैं वैसे वैसा रिकॉर्ड करता रहूँगा सब कुछ। और ऐसा कुछ वैली है यार ये, एंड लुक एट सोनिक शी इज़ लुकिंग सो गुड सो गुड। तो बस ऐसा कुछ राइडिंग का डे जाता है यार हमारा बढ़िया सा, ऐसे राइड वगैरह करते रहते हैं हम एवरी डे। तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, कमेंट वगैरह भी करो, एंड कमेंट वगैरह नहीं करते हो यार तुम लोग, कमेंट वगैरह करो अच्छे से, एंड जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं सीधे।